Rajgaur with you once again. Yes. Now, today, there is no lesson. आपको ऐसे लगता होगा कि मैम आई है तो आज कुछ नया लेसन करवाएगी. But no, there is no lesson today. There is a one activity. Yes, very nice and interesting activity for you. So, आपको मैं आज एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी करके दिखाऊंगी जो आपको आपकी बुक में करनी है. हाँ, लेकिन आप है ना मुझे उसके फोटोज तुरंत ही भेजना जब आपकी बुक में कंप्लीट हो जाए. उसके बाद वो एक्टिविटी का फोटो आप तुरंत ही मुझे भेजेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे. ओके, सो फर्स्ट आई विल शो यू विच एक्टिविटी इज देयर. यस, इन योर बुक देयर इज अ पेज नंबर 39, द गिफ्ट बॉक्स. ओके, एंड देयर इज एन एक्टिविटी, द नेम इज श्रेड पेपर एंड पेस्ट द पीसेस ऑन द गिफ्ट बॉक्स. यस, हमें एक पेपर लेने हैं, सम कलर पेपर्स, और उसको छोटे 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 पीसेस में काटना है और उसको ये गिफ्ट पेपर पे लगाना है जिससे ये पूरा गिफ्ट पेपर जो अभी बोरिंग सा लग रहा है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा. बट फॉर दिस एक्टिविटी वी नीड, हमें ये एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए, लेट्स गो, आई विल शो यू. फर्स्ट वी नीड सम कलर पेपर्स. कैन यू सी दिस? यस, दिस इज अ मार्बल पेपर. ओके, we want some color papers. This is the one color marble paper and this is the second color marble paper. हमें थोड़े थोड़े कलर के पेपर लेने हैं, लेकिन अगर आपके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है और दो ही है या एक ही है उससे भी चलेगा. बट इफ यू हैव टू कलर मार्बल पेपर इट विल बी अ वेरी नाइस. ओके, सो फॉर आफ्टर दैट वी नीड वन ओल्ड मैगजीन. हमें पुराना वाला मैगजीन या न्यूज़पेपर लेने हैं जिसमें से हमें थोड़े थोड़े कलर के पीसेस मिल जाए. ओके, एंड आफ्टर दैट वी नीड ग्लू स्टिक और फेविकॉल. आपके पास जो भी अवेलेबल है फेविकॉल या ग्लू स्टिक. नाउ आई विल स्टार्ट द एक्टिविटी. फर्स्ट फॉर द एक्टिविटी वी वॉन्ट श्रेड पेपर. श्रेड पेपर मतलब के ये जो पेपर है उसमें से हमें छोटे छोटे पीस ऐसे कट करने हैं और उसमें से भी बिल्कुल छोटे छोटे पेपर को हमें काटना है. वी कैन से टेयर द पेपर. ओके, वी कैन से श्रेड द पेपर. आप देख सकते हो मैं इसको कैसे काटती हूँ. अपने हाथों से ही इसको छोटे छोटे पीसेस में काटना है. अभी हम जब ये पेपर कट करेंगे तो हमारा थंब और पॉइंटर ये दो फिंगर से ये काम होगा और इससे हमारी फाइन मोटर स्किल है जो जिससे हम ग्रिपिंग अच्छा कर सकते हैं वो इम्प्रूव होगी. ओके, सो वी हैव टू श्रेड द पेपर इन स्मॉल स्मॉल पीसेस. ओके, वंस अगेन आई विल शो यू. श्रेड द पेपर इन स्मॉल स्मॉल पीस. ओके, like this. Can you see this? Yes, yes. After we will shred the paper, we have more shredding of paper in both colors. Okay. Now, after the shredding of big paper, I have this type of small shredding of paper. ये पेपर के छोटे छोटे पीसेस हमें मिले हैं. दिस इज द वन कलर, दिस इज द पिंक एंड दिस इज द ब्लू कलर ऑफ श्रेडिंग. ओके, सो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर. ओके बच्चा, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर यूज कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो. एंड आई हैव ऑल्सो द टू स्ट्रिप ऑफ ओल्ड मैगजीन. मैंने ओल्ड मैगजीन में से ये दो स्ट्रिप्स भी लिए हैं, लेकिन आपको वो ख्याल रखना है कि ये सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाए. ओके, नाउ वी विल स्टिक द ऑल श्रेड ऑफ पेपर
the all small small pieces of paper on the gift box. Okay, let's start. Now first we take a yellow color paper जो है वो हमें ये गिफ्ट की स्टैंडिंग लाइन पे लगाना है, लेकिन कैसे लगाएंगे उसके छोटे छोटे पीसेस करके। देखो मैं वापस आपको दिखा रही हूँ, इसको हमें स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करना है। ओके, यस, नाउ वी स्टिक द येलो पेपर श्रेड ऑन द स्टैंडिंग लाइन ऑफ द बॉक्स एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लू स्टिक। फर्स्ट We stick the glue stick on the paper. हम ये glue stick की मदद से ये paper के ऊपर glue लगाएंगे. Yes. After that, we stick this magazine shred paper. मतलब magazine में से जो हमने paper निकाले थे उसके जो paper की shredding है वो हमें ऐसे लगाने हैं. Okay. ध्यान से लगाने हैं। आप अगर ये बड़े हैं तो इसको आप छोटे भी कर सकते हो, और इसको भले आप अनइवनली लगाओ लेकिन उसको ऐसे लगाना है। यस, कैन यू सी दिस? या, इट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आप उसके बाद ये जो आपको ये स्ट्रिप दिख रही है गिफ्ट पेपर गिफ्ट बॉक्स के ऊपर की, उसके ऊपर वापस इसी तरह हम एक ग्लू स्टिक लगाएंगे, और वापस ये जो मैगजीन का पेपर है जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं ये लगाएंगे लाइक दिस। आप इसमें लगाने के लिए आपके पेरेंट्स की हेल्प भी आप ले सकते हो। ओके, इट्स वेरी इजी। इसमें हमें किसी भी ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है, जैसे सीजर या जो जिससे आपको हार्मफुल हो। ओके, वापस इसके ऊपर हम ये लगाएंगे ग्लू स्टिक और ये लगाएंगे पेपर। अच्छा, ये हमारा पूरा हो गया। अभी ये जो जगह बची है पहले हम ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं गिफ्ट बॉक्स में उसके ऊपर लगाएंगे। उसमें हम पिंक भी लगा सकते हैं और ब्लू भी लगा सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द पिंक कलर। ओके, सो हम पहले ये सर्कल में ग्लू स्टिक से ग्लू लगाएंगे, उसके बाद ये पिंक कलर का श्रेडिंग लगाएंगे। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये जो पेपर्स है वो लाइन के बाहर नहीं जाने चाहिए, थोड़ा ध्यान से, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, यस यस, वेरी नाइसली, वेरी इजी एंड वेरी क्विक। आपको थोड़ा ये जल्दी करना पड़ेगा वरना हमारी ग्लू स्टिक से लगाया हुआ ग्लू ड्राई हो जाएगा। यस, आफ्टर दिस, यस, आफ्टर इन दिस सर्कल, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, नाइस 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 नाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। उसी तरह हम ये जो सारे सर्कल्स दिख रहे हैं जैसे उसमें पिंक कलर लगा के वो नाउ इसी तरह हम ये जो सारे सर्कल्स दिख रहे हैं उसमें पिंक कलर के पेपर्स लगा के उन्हें पहले हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टिक द ब्लू कलर पेपर ऑन दिस पेज। ओके, सो लेट्स डू। अभी ये जो जगह बची है वापस उसमें हम ग्लू स्टिक लगाएंगे। ओके, यस, आफ्टर दैट वी विल स्टिक द ब्लू कलर पेपर ऑन दिस पेज। ये जो जगह दिख रही है उसके ऊपर हम ब्लू कलर के पेपर लगाएंगे, ठीक है? सो कैन यू सी दिस? मैं कैसे लगा रही हूँ आप देख सकते हो। ऐसे नहीं है कि एकदम प्रॉपर आना चाहिए, आप जहां पे भी आपको जगह दिखे आपको वो करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर बड़े पीसेस है तो आप उसको छोटा कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे, ये जो ब्लैंक पेपर था उसके ऊपर हमने ये सारे लगा दिए हैं विद द हेल्प ऑफ सम मार्बल, सम कलर मार्बल पेपर्स लाइक पिंक, ब्लू एंड सम ओल्ड मैगजीन पेपर लाइक
येलो, हमने ये पूरा एक्टिविटी फिनिश कर लिया है। आफ्टर दैट वो जो प्लेन सा गिफ्ट बॉक्स था, देखो वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना। और इसमें हमने कहीं भी सीजर का यूज नहीं किया है, इसको हमने अपनी फिंगर से ही इसको श्रेड किया है, इसको टेप किया है। ये श्रेड करने से आपके फिंगर एंड थंब, जो कि आपकी फिंगर और थंब है, उसका यूज होगा। इट्स इम्प्रूव योर फाइन मोटर स्केल। ये आपकी ये जो फिंगर्स है उसकी एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर रहेगा, और ये जो आपकी ग्रिपिंग है उसको भी बढ़ाएगा। सो नाउ आफ्टर दैट दिस पेपर एक्टिविटी प्लीज डू दिस एट योर होम। आप आपके घर पे ये कीजिए, और भूलिएगा मत इसका वीडियो या फिर फोटो मुझे तुरंत ही अपने व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ओके, कि आपका गिफ्ट बॉक्स भी कैसे लग रहा है, ये इससे अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है। ओके, नाउ टिल देन, बाय।